हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। मैंने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज रीड करी जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करी है, एंड मैंने एक जो स्टोरी पिक करी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एंड जो जो इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आज की वीडियो पर हम टारगेट रखेंगे लाइक्स का, 3K का। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके साथ हुआ है और आपको शेयर करना चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ पर अपने हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर सकूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो हमारे साथ अलीशा ने शेयर करा है। अलीशा हिमाचल और पंजाब के एक बॉर्डर वाले एरिया में रहती है अपनी फैमिली के साथ। अलीशा की फैमिली में अलीशा के पापा मम्मी, उसका एक छोटा भाई और अलीशा, ये चार मेंबर रहते हैं। काफ़ी वेल सेटल्ड है, अच्छे से सब कुछ इनका बीत रहा है। अलीशा के जो पापा हैं उनकी एक शॉप है करियाना की, सिटी में ही अपने घर से थोड़ी दूरी पर है उनकी जो शॉप है। एंड उनका रूटीन रोज़ का ऐसा है कि वो 8:30 बजे के करीब अपनी शॉप पर जाते हैं, भगवान की जोत जलाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं शॉप पर, उसके बाद पूरा दिन सामान वगैरह अपना बेचते हैं, शॉप पर बैठते हैं एंड 9 बजे शॉप घर आ जाते हैं। अब कुछ समय बीतता है, अलीशा के मम्मी पापा अलीशा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें लकीली एक बहुत अच्छी फैमिली मिल जाती है जो सेम सिटी में सेटल्ड होती है। अलीशा और का जहाँ पर घर होता है उससे कुछ ही दूरी पर लड़के वालों का घर होता है। अब अलीशा की मम्मी पापा उस लड़की की फैमिली से शादी करा देते हैं अलीशा की। लड़के का नाम होता है अतुल। अब अतुल और अलीशा सेम सिटी में ही रह रहे हैं अपने घर पर, और अलीशा की फैमिली बगल में ही रह रही है। तो जब अलीशा का मन करता है वो अपने मम्मी पापा के पास आ जाती थी क्योंकि सेम सिटी में थे। एंड अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है, अलीशा का बेबी भी हो जाता है और वो 1.5 साल का हो जाता है। अब अलीशा की फैमिली के साथ जो ये इंसिडेंट होता है, इस टाइम पर अलीशा का बेबी 1.5 साल का हो चुका होता है। अब एक दिन अलीशा और अतुल प्लान बनाते हैं कि हम मम्मी पापा के घर पर जाएंगे और डिनर करेंगे उनके साथ, और डिनर करके कुछ बातें कर हम वापस अपने घर आ जाएंगे। अब वो जाते हैं, 8:30 बजे अलीशा अपने घर पहुँच जाती है अतुल के साथ। एंड वो वेट कर रहे हैं डिनर पर अपने पापा का, क्योंकि पापा नॉर्मली 9 बजे आ जाते थे। उस दिन क्या होता है, 9 बज जाते हैं, 9:15, 9:30, 9:45, 10, पर अंकल आते नहीं है। अब ये सब ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि शॉप पर कोई फ्रेंड मिल गया होगा या फिर किसी वजह से आज लेट हो गए होंगे, दोस्त मिल गए होंगे, ग्राहक मिल गया होगा, जिसकी वजह से आज वो लेट हो गया आने पे। और ये सब सोचते सोचते वो दरवाजे पर देखते हैं, 10:15 बजे के अराउंड अंकल आ जाते हैं। अंकल दरवाजे पर खड़े होते हैं, उनके हाथ में ना एक ब्लैक कलर का थैला होता है। अब जैसे ही वो अंदर आते हैं और अलीशा ये सब बोलते हैं कि आपने इतना समय क्यों लगा दिया आने पे, तो अंकल सोफे पे बैठते हैं और वो बताते हैं कि मैं शॉप बंद कर आ रहा था अपने टाइम पर ही, एक एक्टिवा वाला मेरे पीछे था, काफ़ी टाइम से पीछे था, वो एकदम से उसने स्पीड बढ़ाई और आगे को निकला, उसका एक ब्लैक कलर का थैला था वो गिर गया, और मैंने देखा, मैंने आवाज़ें मारी, भाई साहब आपका सामान गिर गया, भाई साहब आपका सामान गिर गया, बट वो तेज़ था, उसने सुना नहीं। मैंने एक्टिवा रोकी, वो सामान उठाया, ब्लैक कलर का थैला अपने एक्टिवा पे रखा और मैं उसके पीछे लग गया, कोशिश करी, बहुत आवाज़ें मारी कि भाई साहब आपका सामान रह गया, सुनो सुनो सुनो, पर वो इतनी तेज़ जा रहा था कि थोड़ी देर बाद वो गायब ही हो गया, कि निकल गया इधर उधर और मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। तो अंकल ने क्या करा कि वो सामान लिया, वो ब्लैक कलर का थैला, और लेकर अपने घर आ गए कि हो सकता है कि उसका कुछ इंपॉर्टेंट सामान हो। थैला खोलेंगे, उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे जिससे पता लग जाएगा कि ये पर्सन कौन था, और उस तक उसका सामान पहुँचा देंगे। अब इतनी देर में जो अलीशा थी, उसका छोटा बच्चा था 1.5 साल का, वो दौड़ता हुआ आया, उसने अपने नाना के हाथ से, अंकल के हाथ से वो थैला लिया और दौड़ता हुआ चला गया। उसने ना खोला वो थैला और वो जय बाया जय बाया जय बाया करने लग गया। वो 1.5 साल का था तो वो जय बाया का मतलब था जय बालाजी, जय बालाजी, क्योंकि अलीशा, अलीशा का पति अतुल और उसका बच्चा और उसकी दादी, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली हर मंगलवार को बालाजी के मंदिर जाते जाते थे, हनुमान जी के मंदिर जाते जाते थे। तो जो बच्चा था उसने देखा उस थैले के अंदर सिंदूर था, तो उसको लगा सिंदूर सिर्फ बालाजी को ही चढ़ता है, तो इसलिए ना वो देखे जय बाला जय बाला जय बाया 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 करने लग गया। और जैसी अलीशा पास पहुंची, अलीशा ने वो थैला देखा, उसने देखा सिंदूर, मौली, लड्डू और उसके अंदर कपड़ा लाल, बहुत कुछ था ऐसा। और वो एकदम से डर गई क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती है कि ये ब्लैक मैजिक ये सब होता है, क्योंकि वो भगवान को भी बहुत मानती थी, तो इसीलिए उसको विश्वास था कि ये चीज़ें भी होती है। इतने में ही अलीशा का पति अतुल बोलता है शायद किसी का पूजा का सामान रह गया है, तो उसको दे देंगे अगर वो मिलेगा उस रास्ते पे, नहीं तो इसको कहीं पर रख देंगे। इतने में अलीशा जल्दी से वो सामान उठाती है, बाहर जाती है और जला देती है पूरा सामान, पूरा का पूरा वो आग लगा देती है सामान पर। अब जो अलीशा का बच्चा होता है वो रो रहा होता है, जो है बाया बाया कर रहा होता है, क्योंकि
उसको ना लड्डू दिया होता है, क्योंकि वो लड्डू भी उसको बालाजी के मंदिर में मिलता ही मिलता है, और वो सिंदूर उसने देखा होता है, और उसको ये था कि मुझे लड्डू नहीं दिया। उसको जैसे तैसे चुप कराते हैं और अपने पापा के पास जाती है अलीशा और बोलती है कि आप ये दूसरों की मदद करने वाली जो चीज़ है ना, ये रात को मत करा करो, दिन में करो, क्योंकि छोटे शहरों के जो लोग होते हैं ना वो बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं। तो अलीशा ये बोलती है कि ये चीज़ आपको मुसीबत में डाल देगी कभी, तो आप इतनी भी किसी की मदद मत करो रात के समय, दिन में करो ठीक है, और किसी का भी सामान लेकर घर मत आओ, कुछ भी हो सकता है। तो अलीशा के पापा कहते हैं मैंने तो मदद करने की उससे कर रहा था, पर मैं आगे से ध्यान रखूँगा। अलीशा, अतुल और उनका बच्चा वो चले जाते हैं अपने घर एंड सब कुछ सही होता है, खाना पीना खा के चले जाते हैं। 2 बजे के करीब अलीशा की मम्मी की कॉल आती है अलीशा को कि तुम जल्दी घर आ जाओ, तेरे पापा बहुत अजीब हो रहे हैं, बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो कुछ कुछ कह रहे हैं, तू जल्दी घर आ जा, मुझे नहीं समझ आ रहा। अलीशा का पति दोनों जल्दबाजी में घर आते हैं और वो देखते हैं कि भाई पापा को एक रूम में बंद कर रखा है और मम्मी जो है वो बाहर है और पापा रहे ऐसे रूम में बैठे हुए हैं और एक ही चीज़ दोहरा रहे हैं, मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। और चेहरे पे एक ना स्माइल है हल्की सी, आँखों में नींद है और चेहरा लटका हुआ है, बट होंठों से पता लग रहा है कि स्माइल है चेहरे पे और एक टक बैठे हुए हैं। उन्होंने जैसे ही दरवाजे से देखा खिड़की से, वो बहुत ही हैरान हो गए कि पापा को ऐसा क्या, वो दरवाजा खोलते हैं अंदर जाते हैं। अलीशा, अतुल बहुत समझाते हैं, वो धक्का मारकर अंकल कह रहे हैं कि मुझे जाने दो, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना, मैं नहीं जीना चाहता। बहुत कोशिश करते हैं, समझाते हैं और काफ़ी देर समझाने के बाद उनको लेटा देते हैं, सुला देते हैं और शांत भी हो जाते हैं अंकल, काफ़ी बोलते हैं वो शांत हो जाते हैं। अब वो सर दबा रहे होते हैं, पैर दबा रहे होते हैं कि पापा को क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी देर में वो क्या रियलाइज़ करते हैं कि जैसे सर दबा रहे थे, पैर दबा रहे थे, बात कर रहे थे कि क्या हो गया, जैसे स्ट्रेस होगा, और ना अलीशा के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था यार ये कल की वजह से ना हो, जो भी वो था, जो भी सामान था ना वो, उसकी वजह से ना हो, पर पैर हाथ दबा रहे थे। अलीशा को ना थोड़ा गीला गीला लगता है, अंकल के जैसे पेट के यहाँ पर ऐसे करते हैं तो ना उसको गीला गीला लगता है, और वो जैसे ही लाइट लगा कर देखती है पूरा लाल हो चुका होता है, अंकल की बनियान पूरी लाल हो चुकी थी, गीली चिप चिप टाइप में। और वो बच्चा आता है भाई, जय हनु जय हनु जय हनु करता हुआ, और उसको नहीं पता, उसको लगता है लाल रंग, जो इतना लाल रंग देखा उसको लगता है कि ये बजरंग बली को, बालाजी को ही चढ़ता है, क्योंकि उसने यही देखा और फ्रिक्वेंटली अपनी दादी के साथ मंदिर ही जाता है, सिंदूर लड्डू और ये लाल रंग उसको लगता है बालाजी को ही चढ़ता है। उसको जाते हैं सुलाते हैं और वो डर जाते हैं सारे कि भाई पापा को इतना ज़्यादा लाल रंग, वो उतारते बनियान की जख्म वगैरह ना और खाओ, पूरा सही होता है पूरा शरीर, पर बनियान पूरी लाल हो चुकी होती है, गीली चिप चिप। वो चेंज करते हैं, 1 बनियान 2 बनियान 3 बनियान 4 बनियान, वो 5 बनियान चेंज करते हैं और 5ों में वैसे ही गीला। उन्हें इतना तो पता लग जाता है कि कुछ पापा के साथ बहुत गलत हो गया। वो सर हाथ पैर दबा रहे होते हैं पूरी रात की, सुबह होते ही हम जाएंगे किसी के पास, पंडित के पास, उन्हें दिखाएंगे। मॉर्निंग होती है, अंकल बिल्कुल ठीक होते हैं, बस वो लाल होता जा रहा होता है, थोड़ा वीक फील कर रहे होते हैं। पंडित के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं पूरी सिचुएशन कि कल रात को ऐसे सामान आया था, उसके बाद पापा के साथ ये सब कुछ, वो आप देखो। पंडित चेक करता है, वो बोलता है कि इनके ऊपर ऊपरी हवा लगी हुई है, और वो एक मोली बांधता है हाथ में, एक लॉकेट देता है और कुछ पढ़ता है मंत्र वगैरह, और बोलता है कि अब ठीक है आपके पति, आप ले जाओ, सब सही है। वो घर आते हैं लेकर, सोते हैं, अंकल को सुलाते हैं और अंकल के सर दबा रहे हैं, वो जो लाल हो रहा था वो होना बंद हो गया। अब अलीशा अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं अपने घर। अब अंकल नेक्स्ट डे शॉप पर चले जाते हैं दोबारा कि वो थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं, और वो जाते हैं, इस बार जोत नहीं जलाते, झाड़ू पोछा करा और अपनी दुकान पर बैठे हुए। कुछ टाइम बाद एक ग्राहक आता है उनकी शॉप पर, वो कुछ सामान लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, और 10 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बीत जाते हैं, वो नीचे नहीं आते। तो वो पर्सन ऊपर जाता है और देखता है कि अंकल बेहोश पड़े हैं। वो फैमिली को कॉल कर देते हैं उनकी, एक दो लोग और आ जाते हैं। अब अतुल, अलीशा, आंटी सब आ जाते हैं वहाँ पर कि पापा को क्या हुआ, और लेके घर चले जाते हैं और पूछते पापा जी क्या हुआ, आप बेहोश थे वहाँ पर। तो वो बता रहे थे कि मैं ऊपर गया, अंधेरा था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे धक्के मार रहे हैं, बहुत सारे लोग धक्का मार रहे हैं, मैं इधर उधर गिर रहा हूँ और हल्का हल्का मेरी आँखें आके अंधेरा होता जा रहा है, और उसके बाद मैं गिर गया, मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। अब सब ने ये सोचा कि शायद से कल रात सोए नहीं ढंग से, परसों ये चीज़ें हुई तो काफ़ी स्ट्रेस हो गया और उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो वो कहते हैं रेस्ट करो, घर पर लेकर आ जाते हैं, शॉप बंद कर देते हैं और उनको रेस्ट करने के लिए लिटा देते हैं बेड पे, और अलीशा अपने घर चली जाती है वापस। अब रात को वो चेक करने आते हैं अलीशा और कि पापा और की तबीयत कैसी है। अंकल खाना खा रहे होते हैं, मतलब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं अपना। अब जो अलीशा था, उनका बेबी था जो 1.5 साल का, वो आता है
टूटी फूटी हनुमान चालीसा गा रहा होता है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली नहीं आती, छोटा बच्चा है तो उतले टोन में गा रहा होता है, पर टूटी टूटी आवाज़ में गा रहा होता है जय 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 ऐसे करके। तो अलीशा उसको चुप कराने के लिए अपने फ़ोन पर हनुमान चालीसा लगाकर उसको दे देती है। एकदम से अलीशा के पापा चुपचाप खाना खा रहे होते हैं, वो यूँ देखते हैं उसको, कम से कम 30-40-50 सेकंड तक बस ऐसे देखते रहते हैं, और हनुमान चालीसा नीचे बज रही है। जैसे ही वो एकदम से कांपना शुरू करते हैं, खड़े होते हैं और ज़ोर से दरवाजे को एकदम पटकते हैं और रूम में बैठ जाते हैं। अलीशा एकदम से डर जाती है कि पापा को ऐसा क्या हुआ कि खाना छोड़कर बीच में उठ के अंदर चले गए, वो भी ऐसे रूडली बिहेव करा, आज से पहले कभी नहीं करा, और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पटका। अलीशा रूम के अंदर जाती है और वो देखती है कि पापा खड़े हुए हैं और पापा की दो परछाई दिख रही हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। वो उसी टाइम ऐसे हो जाती है कि ये चीज़ क्या है, और वो अपने पापा को बोलती है कि पापा खाना पूरा खा लो। एकदम से उसके पापा बोलते हैं तू बाहर निकल, मैं खा लूँगा जब मुझे खाना होगा, मुझे परेशान मत कर, मुझे सोने दे। वो इतनी चीख कर बोलते हैं, और अलीशा कहती है कि मेरे साथ आज से पहले पापा ने ऐसे कभी बात ही नहीं करी थी। अलीशा ने डर कर दरवाज़ा बंद करा और बाहर चली गई। अब सुबह सुबह अलीशा अपने घर आती है दोबारा मम्मी के पास, और वो देखती है उसकी मम्मी कॉन्टीन्यूसली रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। अब अलीशा पूछती है अपनी मम्मी से कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, रात को कुछ हुआ क्या? अलीशा के मम्मी बताते हैं कि 1:30-2 बज रहे थे, तेरे पापा बेड के ऊपर खड़े हुए और चीखने लगे, जोर जोर से चीखने लगे, बालकनी में गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, जोर जोर से एकदम से दौड़ रहे हैं पागलों की तरह, टकराते हुए इधर उधर, दरवाज़ा खोला, मेन डोर की तरफ गए, मेन गेट को बजा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, बालकनी में जाके चीख रहे हैं, लोग बाहर आ गए, बाहर पलटियाँ मार रहे हैं, ऐसे कूदते हुए कहीं जा रहे हैं, कूदते हुए कहीं आ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और आंटी इतना डर गई इस चीज़ से कि आंटी बाथरूम में गए और अपने आप को बंद कर दिया अंदर से, और रो रहे थे अंदर। अब सुबह जब शांत हो गए थे तो वो बाहर ही थे, जो उनका मेन डोर था वहीं पर बैठे हुए थे उसके पापा अलीशा के। तो वो अलीशा की मम्मी बाहर आई, वो भी डरी डरे बाहर ही बैठे हुए थे। अलीशा आए तो देखा कि ऐसे रो रहे हैं, तो उन्होंने बताया ये सब कुछ हो रहा है। अलीशा और अलीशा के पति ने बिना सोचे समझे अंकल को लिया और हनुमान मंदिर लेके चले गए। अब हनुमान मंदिर में जैसे ही पंडित जी के पास पहुँचे, पंडित जी को दिखाया बताया, पंडित जी ने कहा बिना टाइम वेस्ट करे सलासर महाराज के पास चले जाओ, आप वहाँ पर ले जाओ बिना टाइम वेस्ट करे। उन्होंने भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करा, शाम को ही निकल गए। अब इन्होंने क्या करा, इनका जो छोटा भाई था अलीशा का, वो कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था, उसको भी बुला लिया, पूरी फैमिली इनकी गाड़ी में बैठी और शाम को निकलना शुरू कर दिया सलासर महाराज के लिए। अब अंकल ने इतनी हरकतें करी अंदर, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बीच में बोला कि मुझे बाथरूम लगी है, मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम के लिए उतरे दौड़ के, इनको पकड़ने के लिए ये पीछे गए 1.5 घंटा उसमें वेस्ट हो गया। ये लगा के चलो 6 घंटे का रास्ता था इनके घर से सलासर महाराज का, वो पहुँचने में इन्हें 1.5 दिन लग गया। अंकल कभी इधर जा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी कह रहे हैं तबीयत खराब होगी, कभी इनको देख के चीख रहे हैं, कभी एकदम से बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो पूरी कोशिश करी कि वो वहाँ ना जाए। पर 1.5 दिन बाद जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ जो सबसे बड़े पंडित जी थे उनसे बात करी, इन्होंने बताया कि पापा की हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उनको खून वाली वो चीज़ लगी, वो हमारे घर में वो कुछ पैकेट में सिंदूर वगैरह ये सब आया था, उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ, और कल पापा ने ऐसे करा, चीखे मारी, पलटियाँ मार रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उस पंडित जी ने क्या करा, इनकी तरफ देखा और चीखकर बोला क्यों कर रहा है तू ये सब, कहाँ से आया है और कौन है तू? इतने में ही उसके पापा पंडित जी को जवाब दे रहे हैं अपने काम से मतलब रख, मेरे बीच में मत बोल। अब पंडित जी ने क्या करा, 2 लोगों को बुलाया, उसके पापा को पकड़वाया और बोला यहाँ बैठा दो मेरे साथ। अब साथ बैठा दिया और उनको बोला फैमिली को, अलीशा इन सबको, कि तुम वहाँ बगल में बैठ जाओ। सलासर धाम में दर्शन चल रहे थे, नारे चल रहे हैं, पूरा दिन दर्शन चलते रहे, उन्होंने पंडित जी ने अपने साथ बैठा के रखा उनको। वो झटपटा भी रहा है बीच में और वो बोल रहा है कि मुझे जाने दो जाने दो, पर साथ बैठाया हुआ है, उठने नहीं दिया। और जैसे शाम को दर्शन बंद हुए और अलीशा की फैमिली के पास गए पंडित जी, उन्होंने बोला अब आप इनको ले जाओ घर, ये बिल्कुल ठीक है, जो भी इन पर था बालाजी अपने साथ ले गए। वो नारे लगे, सबने दर्शन करे, तो उन्होंने कहा कि जो भी इन पर था बालाजी अपने साथ ले गए। और अंकल वहाँ पर सच में नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल खड़े, बट सुस्त हो रखे थे बिल्कुल, जैसे थके हुए हैं। अब फैमिली, अतुल, अलीशा ये सब अंकल को लेके घर आ गए, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता बीता, अंकल ने अपना काम शुरू कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया और कोई एक्टिविटी दोबारा रिपीट नहीं हुई। बट उस दिन के बाद अलीशा के पापा को डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन की मेडिसिन अभी भी खाते हैं। उस बात को आज 3-4 साल हो गए, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ बालाजी की कृपा से, सब कुछ सही रहा, बट उनको डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, वो जो एक्टिविटीज़ थी वो शायद से सर में
या घर कर गई, दिल में क्या हुआ उनको पता नहीं, बट वो अभी भी डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और अभी भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। पर कोई भी जो एक्टिविटी थी बालाजी के पास जाने के बाद वो रिपीट नहीं हुई दोबारा कभी भी। तो ये इंसिडेंट अलीशा ने शेयर करा, एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जा सकते हैं, ये ही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ आपने अपने इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा एंड आप सबके साथ शेयर करूँगा। हमारा स्टोरी पर हम लाइक्स का टारगेट रखेंगे 3K, एंड ट्राई करेंगे कि 3K हम कंप्लीट कर पाएँ लाइक्स। एंड जो जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू हॉरर स्टोरी टाइम में जल्दी। बाय बाय, टेक।